हम लोग जानते हैं कि आज जो देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं जो जांच एजेंसियां हैं उनको किस प्रकार से अपने नियंत्रण में लेकर अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का काम करो। हम लोगों ने इसी भावना से 1932 का खतियान और उस पर नियोजन और 27% आरक्षण को अपने वादा अनुरूप देने का काम किया। हम लोगों ने विधानसभा में कहा इस बात को कि इसको 9वीं अनुसूची में आप शामिल करो, सरना धर्म कोड को जनसंख्या में शामिल करो। आज का एक फैसला आया, बहुत जोर नाचा करता था यहां का आजसू और भाजपा कि स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पहले ही आ चुकी थी, लेकिन भाजपा की जो उत्तर प्रदेश की सरकार उन्होंने स्थानीय निकाय पर ओबीसी आरक्षण देने का काम किया, जिसको आज ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का है उसको खारिज करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि योगी सरकार पिछड़ों का आरक्षण के लिए क्या करने जा रही है। हम लोगों ने इसीलिए इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची के तहत डालने की बात कही है, ताकि इसको संवैधानिक कवच मिल जाए। भाजपा द्वारा जो ठगने की काम की जाती है उसको समाप्त करने की ओर हम लोगों का यह चाहत है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।